हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर्स डीएसएसबी पेपर। यस, प्रीवियस ईयर डीएसएसबी पेपर विच हेल्ड ऑन 2018, राइट। तो आज हम डीएसएसबी फीमेल का पेपर करेंगे जो कि 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, राइट। तो उसी के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हैं, अभी जो है वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस है वो नहीं मेंशन किया गया है। तो आपको है, अगर अभी कुछ आफ्टर कुछ डेज़ बाद है एग्ज़ाम है, वो होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। तो अभी तक जो भी किया है आपने, दैट्स इट। इसके बाद जस्ट आप रिवीजन करो अच्छे से 11th एंड 12th के, ठीक है। एक्चुअली जो ये पेपर है 2018 का, जो फीमेल का है, मैंने कुछ फीमेल के ही कुछ क्वेश्चन देखे हैं, उन्हीं में जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एडवांस लेवल के आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही एवरेज है, ये मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एवरेज एडवांस लेवल के हैं, राइट। तो कोई भी जो सिलेबस है वो भी वेबसाइट पे नहीं डाला गया है। तो देखते हैं पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अगर आप 2014 का पेपर देखो तो 2014 में जो पेपर आया हुआ था वो मोस्टली जो है वो नेट सिलेबस के रिकॉर्डिंग था, राइट। लेकिन जो 2018 में जो पेपर है वो 11th 12th का है, लेकिन सारा का सारा एडवांस लेवल का है, ठीक है। अब आपने जितना भी कर लिया वो ठीक है, इट्स ओके। अगर इसके बाद कुछ डेज रहते हैं, स्ट्रेस में मत आना। जस्ट आपको फॉर्मूले आप देखो, और हर एक फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है आप जस्ट ये देखो, क्योंकि कुछ ही टाइम रहता है। और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पे जो पेपर हैं आप उन्हीं को रिवाइज करो। कई बार होता है मोस्टली जो क्वेश्चन है, कई बार ही है रिपीट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वहाँ से हमें कुछ थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आज ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे हैं क्वेश्चंस भी लिखूँगी, जिसके मीन्स लॉन्ग स्टेटमेंट है, जो शॉर्ट है मैं जस्ट उसको ओरली बताऊंगी, राइट। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इस जो क्वेश्चंस पेपर का है, मैं ऑलरेडी है टेलीग्राम में है वो लिंक शेयर कर चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस क्वेश्चंस पेपर का लिंक है वो शेयर कर दूंगी, राइट। और क्वेश्चन तो मैं लिखूंगी ही, राइट। तो जो है 5-5 पार्ट्स के, मीन्स 5 जो क्वेश्चन है वो एक पार्ट में होंगे। एक लेक्चर्स में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो शॉर्ट वीडियो होगी, ओनली उसमें 5 क्वेश्चन ही होंगे। कोशिश करूंगी आपको डेली है 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड करने की सॉल्यूशन की, राइट। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए पार्टिकल है वो मूव करता है अलोंग कर्व्ड पाथ, राइट। उसने क्या कहा है, गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स के, जो पार्टिकल है वो इस पाथ के अलोंग मूव करता है, एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट इक्वल टू सी। जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, एंड इट्स एसिलेशन इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एसिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप है सबसे पहले देखो हम एसिलेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। एसिलेशन है हमारे पास है वो किसके इक्वल होता है, पहले आप यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है, वाई विच इज इक्वल टू ए एक्स के, एसिलेशन पूछा है जो कि किसके इक्वल होता है, ए विच इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन में एसिलेशन पूछा ना इसने, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका पाथ का डबल मीन्स 2 times डेरिवेटिव ये होगा मेरे पास क्या, एसिलेशन। अब यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है जो कि किसके इक्वल होगी, डी वाई अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे वी विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो ए है वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना आ गया 2x। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने जो डेरिवेटिव किया है वो t के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पे जो मेरे पास अब पोजीशन आएगी वो क्या आएगा, dx अपॉन में dt, ऐसे हम डेरिवेटिव करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल बोला, c के इक्वल बोला, तो यहाँ पे v विच इज इक्वल टू ये क्या है, वेलोसिटी dx अपॉन में dt विच इज इक्वल टू c। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट 2 ए एक्स इंटू सी, राइट।
अब मुझे क्या निकालना है, एसिलेशन निकालना है, तो आप एसिलेशन निकालो ए विच इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन में डी टी स्केयर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब अगर आप एसिलेशन निकालोगे तो कितना आएगा मेरे पास, देखो टू ए किसका, अब हमने क्या निकालना है, एसिलेशन ही तो निकालना है, तो यहाँ पे कितना आएगा अगर मैं इसको देखती हूँ तो टू ए सी, यहाँ पे जो ये सी आएगा ये वाला 2a c, ये कांस्टेंट है, इसका करूँगी तो कितना आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, फर्दर पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू 2a c, एक c यहाँ पे और दूसरा c है इस प्लेस पे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करूँगी तो कितना आएगा 2a c स्क्वायर। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो हमारे पास है इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा 2a c स्क्वायर विच इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है वो बिल्कुल एवरेज थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है अगर आप करोगे, कुछ ने किए भी होंगे, वो बिल्कुल ही एडवांस लेवल के थे। ठीक है, तो आपको है जो प्रिपरेशन है वो भी एडवांस लेवल के ही अकॉर्डिंग करनी है आगे फर्दर फ्यूचर में। राइट, अभी जो चल रही है उसको कंटिन्यू रखो, स्ट्रेस में मत आओ, पैनिक मत हो। ठीक है, तो नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उसने डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। एक्चुअली जो मैं चाह रही हूँ, जो ये डायमेंशंस है इसके, आई थिंक हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हुए, तो मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक को बिफोर एग्जाम करवाने की। ठीक है, क्यों मीन्स यहाँ से डायमेंशंस रिलेटेड हर एक आप पार्ट में देखोगे, हर एक में एक या दो क्वेश्चन आया हुआ, तो आप है उनको स्किप मत करना। ठीक है, पोस्ट के तो आप खुद करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं यहाँ पे है डायमेंशन से रिलेटेड है बिफोर एग्जाम है वो करवाने की कोशिश करूँगी। राइट, तो इसने जो डायमेंशन पूछी है वो किसके पूछी है, प्लैंक्स कांस्टेंट के पूछी है। इज सेम एज दैट ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन दिखाई दे रहा है, एक मिनट को, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शंस में जो आवर फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड आवर सेकंड ऑप्शन था उसमें क्या था, एंगुलर मोमेंटम, एंड ये एंगुलर मोमेंटम है, एंड आवर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, एंड आवर फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या था, लीनियर मोमेंटम। राइट, ये आवर फोर्थ ऑप्शन थे। ठीक है, इन फोर्थ ऑप्शंस में मुझे बताना था कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो किससे मैच होती है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस का पता होना चाहिए। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी ऑल नो दैट वी एनर्जी E which is equal to h nu, here h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमने ये क्या फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, h which is equal to E upon में v nu। राइट, अब आप यहाँ पे लिखो E की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, एनर्जी की m l टू t माइनस टू, और यहाँ पे है ये क्या है, इसकी कितनी होगी मेरे पास, ये क्या है मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा ये t माइनस वन, तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास m l2 t माइनस वन। तो और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन आ गई वो कितनी आई, m l2 t माइनस वन। अब यहाँ से देखो, मैं आवर फर्स्ट ऑप्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसका जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ आई वो ओमेगा स्क्वायर। राइट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अब आप है इसकी निकाल के देखो, यहाँ पे कितना आएगा, हाफ कांस्टेंट है, ये क्या है आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, एम एल टू, अब यहाँ पे है क्या है, वो ओमेगा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, टी माइनस वन, तो यहाँ से है मेरे पास कितनी आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये इससे मैच नहीं हुई, सो दिस इज़ अवर नॉट राइट आंसर।
नाउ गो विद द नेक्स्ट ऑप्शन, क्या एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है डायमेंशन एम एल टू राइट, और यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस वन, तो ये क्या आ गया मेरे पास एम एल टू टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जो डायमेंशन है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की डायमेंशन से क्या है मैच होती है, सो आवर सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है ये होगा, अगर आप चाहो तो अदर ऑप्शन से भी निकाल के देख सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या कहा है, मैं जो है जो 2014 में जो पेपर हुआ था उसका जो मैं कुछ क्वेश्चंस का जो टायर टू था वो जो सॉल्यूशन है मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आई थिंक फाइव या सिक्स वीडियो है मैंने डाल दी है, जिसमें से नियर अबाउट है आई थिंक 60 क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाते हैं, जिसने नहीं देखे आप कुछ आइडिया ले सकते हो कि कैसे हैं, अगर हमारे पास नेट से रिगार्डिंग है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, उसमें आई थिंक मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स और ईएमटी कंप्लीट करवा दी है, ईएमटी का आई थिंक कुछ क्वेश्चन रहते हैं, नहीं तो आई थिंक कंप्लीट है, ठीक है कुछ पार्ट है वो पेंडिंग रहता है। ठीक है तो मैंने हर एक क्वेश्चन है वहाँ पे आई थिंक टू या थ्री मेथड से बताया कि कैसे आप टाइम को सेव करके क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली ही कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए, नहीं ठीक है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना के साथ साथ आप कैसे क्वेश्चंस को विद इन टाइम सेव करके विद 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे निकालते हो, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग राइट। तो आपको टाइम को सेव करना है 100% एक्यूरेसी के साथ है, जिस क्वेश्चन में जो ट्रिक अप्लाई होते हैं तो आप कोशिश करो उस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से निकालने के लिए, उसके जो पोर्शन है जो प्रोसीजर है उसको अवॉइड करो, ठीक है वहाँ से आप टाइम सेव भी होगा और 100% गुड एक्यूरेसी के साथ आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या कहा, क्वेश्चन नंबर थ्री है कुछ जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनाया गया है इसने, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, ये वाला डायग्राम है, इसने बोला है यहाँ पे टू बॉडी रखी गई है, ठीक है एक का जो मास है एम टू है एंड जो सेकेंड का जो मास है वो क्या है एम वन है, जो कि इसी के ऊपर रखी गई है। ठीक है एक फोर्स है वो एफ अप्लाई किया गया है, अब यहाँ पे है इसने बोला है विद रेफरेंस टू द फिगर सोन, ये एक फिगर है तो यहाँ पे देखो इसने जो दिए गई है विद रेफरेंस टू द फिगर सोन द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द ब्लॉक टू पुल आउट द ब्लॉक हैविंग मास एम टू विद एन एसिलेशन ए देन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस के बीच में इसने क्या दे रखा म्यू दे रखा, ठीक है इस ये बताना है हमने, तो यहाँ पे हमने क्या बताना है फोर्स बताना है जो कि रिक्वायर्ड कि हमारे पास कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा किसके लिए, एक ब्लॉक जो मास एम टू है इस ब्लॉक को पुल करने के लिए हमें कितने फोर्स को लगाना पड़ेगा, हमें वहाँ यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है। ठीक है अब यहाँ पे हम ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो इस एम टू और यहाँ जो सरफेस है इसके बीच में जो फोर्स होगा उसको मैंने क्या मान लिया F2, ठीक है एक जो फ्रिक्शन फोर्स होगा F2 और यहाँ पे इस M1 बॉडी का जो सरफेस है और जो M2 का जो टॉप है उसके बीच में भी कुछ फोर्स होगा उसको क्या मान लिया मैंने F1
राइट। अब यहाँ पे है कुछ है वेट होगा, वेट जो ऑलवेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब बोथ बॉडी का है तो यहाँ पे क्या आएगा M1 की वजह से भी होगा और क्या होगा M2 की वजह से भी। तो यहाँ पे M1G प्लस का M2G विच इज इक्वल टू M1 प्लस का M2 इंटू जी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी जो कि हमारे पास है इस M1 और M2 की वजह से, दोनों अपवार डायरेक्शन में होगी R1 एंड R2 जो कि मैंने ये मान लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, जो R1 जो रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी M1G अपवार डायरेक्शन में होगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखो R1 की वजह से होगा जो नॉर्मल रिएक्शन मीन्स इस बॉडी की वजह से होगा वो क्या होगा M1G, लेकिन जब इस बॉडी की वजह से अगर मैं रिएक्शन देखूंगी नॉर्मल रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा M2G, राइट। अब यहाँ पे है मुझे क्या निकालना है F, तो जो कि जो मेरे पास है जो फोर्स होगा ये वाला जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे F विच इज इक्वल टू F1 प्लस का F2 प्लस का M2A, राइट। ये क्वेश्चन आपको लिखनी आती होगी। अब यहाँ पे है इन दोनों की वैल्यू है, आप हैं डायरेक्ट है वो पुट कर सकते हो। तो F1 है यहाँ पे देखो, जो F1 है इसके बीच में इसने जो फ्रिक्शन फोर्स लिया था वो क्या था म्यू था। तो यहाँ पे है जो F1 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी M1 म्यू जी प्लस का F2 की वजह से जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी म्यू। अब यहाँ पे है दोनों है M1 प्लस का M2 इंटू जी प्लस का M2A, राइट। अब आप यहाँ पे हैं जस्ट आप सोल्व करो इक्वेशंस को एंड वी गेट योर आंसर M1 म्यू जी प्लस का M1 म्यू जी प्लस का M2 म्यू जी प्लस का M2A, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे है यू M1 म्यू जी है ये 2 times है, तो आप है इसको क्या करोगे 2 M1 म्यू जी प्लस का M2 म्यू जी प्लस का M2A। अब यहाँ से है देखो म्यू जी है वो दोनों में कॉमन है, तो आप है इसको कैसे लिखोगे 2 M1 प्लस का M2 म्यू जी प्लस का M2A, ये हमारे से क्या आंसर है वो इस फॉर्मेट में है, राइट। तो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या कहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, आगे है वो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनको देखना कैसे करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उसने 1 watt एक्सप्रेस इन कैलोरी, और फोर्थ क्वेश्चन इसको एक्सप्रेस करना है किस में इन कैलोरी पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसके इक्वल होगा हमें पता है जो पावर है वो किसके इक्वल होता है, वाट निकालना ना, तो पावर किसके इक्वल होगा यहाँ पे, राइट। आप इसको पावर द रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है। तो यहाँ पे है W अपॉन में T, या फिर आप इसको E अपॉन में T भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने क्या निकालना 1 watt, तो यहाँ पे पावर है इसकी जो यूनिट होगी आप उसको देखो, पावर है इसकी यूनिट कितनी होती है हमारे पास 1 watt, अगर मैं इसको यूनिट के फॉर्म में देखूंगी विच इज इक्वल टू यहाँ पे है वर्क डन जो कि किसके फॉर्म में होगा जूल की 1 joule, एंड टाइम है ये टाइम है जो कि किस में लेंगे हम सेकेंड में, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है जो मेरे पास है जो जूल होती है वो जूल है एक जूल है वो किसके इक्वल होती है, तो हमारे पास पता है 1 joule विच इज इक्वल टू 1 calorie अपॉन में 4.2 इसके इक्वल होगी, एक जूल है उसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है 1 calorie अपॉन में 4.2। अब यहाँ पे है मुझे 1 watt निकालना है जो कि मेरे पास है किसके इक्वल होगा, जस्ट आप पुट करो इसको 1 watt विच इज इक्वल टू यहाँ पे जूल है ना उसको किस में करना है कैलोरी पर सेकंड में, यहाँ पे जूल के प्लेस पे है आप है इसकी वैल्यू रख दो किसके इक्वल होगी जो कि 1 calorie अपॉन में 4.2
अगर आप है इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर है आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, 0.238 कैलोरी पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, सॉरी, तो 1 वाट है वो किसके इक्वल आएगा, 0.238 कैलोरी पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे हैं सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है द वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जो कि किसके हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। अच्छा, टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। फॉर द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इक्वल टू 20 सेकेंड, राइट। अच्छा, इसने बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द दिखाई दे रहा है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन द लेंथ यूनिट चूजन फॉर द अबो ग्राफ, ठीक है। जस्ट ऐसे ये स्टेटमेंट है, देखो आप डायग्राम क्या गिवन है, डायग्राम है कुछ लाइक दैट, कुछ ऐसे है। यहाँ पे है मेरे पास टाइम है एंड हेयर वेलोसिटी एंड 0 ओरिजिन 4 8 -4 -8 -12 यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 20, ठीक है। ये कुछ ग्राफ गिवन है, ठीक है। इसमें मुझे क्या बताना था, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब यहाँ पे जो भी ये ग्राफ है यहाँ से अपवार्ड डायरेक्शन में वो 0 से 8 है लेंथ, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो -12 तक है, ठीक है। तो अब हमने अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे है फॉर्म, एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपको जस्ट वो फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसकी वैल्यू है डायरेक्ट है पुट अप करो। तो अपवार्ड में देखोगे तो देखो हाफ मल्टीप्लाई में क्या होता है, लेंथ, लेंथ कितनी है अपवार्ड में 8, बेस, बेस कहाँ तक है 8 प्लस का हाफ मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उसका किसके इक्वल होगी, जो बेस होगा यहाँ पे 20 तक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ 8 से, तो 20 माइनस का 8 12, लेंथ है वो कहाँ तक है 0 से 12 तक। तो यहाँ पे आप हैं पुट करो और अब आप है इसको जस्ट कैंसिल करो, आपके पास आंसर आएगा कितना आया 4 और यहाँ से कितना आया 6, तो यहाँ से कितना आया 32 प्लस का और ये कितना आया, राइट। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 104, ठीक है 104, या दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करेंगे, जब भी कोई भी आ जाता है तो आप जस्ट
एरिया अंडर द ग्राफ देखो और वो देखो वो एरिया है वो किस फॉर्म में है एंड जस्ट आप उसका डायरेक्ट है फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। तो आप है इस टाइप से क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आएंगे जो फाइव जो कमिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ जितना भी ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।